नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। दूरी दिशा सूचक गारंटीज पर अवैध बैनर। राजस्थान राज्य के कोटा जिले से है खबर। कोटा जिले में यूआईटी कार्यालय के बाहर दिशा सूचक गारंटीज पर अवैध बैनर लगाने पर आम आदमी पार्टी कोटा बूंदी संभाग प्रभारी नवीन पालीवाल के नेतृत्व में यूआईटी के बाहर आप कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमिक अनशन का सातवां दिन जारी रहा। जब तक अवैध बैनर लगाने वाले पर संपत्ति विरूपण एक्टर में नगर विकास न्यास कार्रवाई नहीं करता, तब तक क्रमिक अनशन चलता रहेगा। अनशन में नवीन पालीवाल, राजू मिश्रा, जितेंद्र शर्मा, राजेंद्र मीणा, जुगल परिहार, बद्रीलाल बैरवा आदि शामिल थे। नवीन पालीवाल ने बताया कि हमने कई बार यूआईटी का अवगत कराया और ज्ञापन दिया, फिर भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो चीफ सोहन सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। और ये जगह है यूआईटी कोटा। कोटा के अंदर यहां पर है अभी आप कार्यकर्ताओं के द्वारा आज अनवरत रूप से लगातार निर्बाध गति के साथ में आज धरना दे रखा है, क्रमिक अनशन कर रखा है। आज यहाँ पर हम दिखाते हैं इसकी लड़की, आपको हम करवाते हैं आपसे रूबरू। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, इसके जो धरने में जो लोग बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन है। आज जो सातवां दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशा सूचक जो बोर्ड है, गैलेंट्रीज है, उनका जो उनके खिलाफ जो अवैध होर्डिंग्स लग जाते हैं, जो तमाम राजनीतिक दलों के जो आता है, जो आला जो पदाधिकारी है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, लेकिन तमाम दलों के जो लोग हैं लगाते हैं, उन पे यूआईटी प्रशासन, शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मांग को लेकर के यहाँ पर आप कार्यकर्ता आपके बीच में है, हम जल्दी ही आपसे रूबरू कराते हैं। सर, आप ये नाम बता दीजिए सबसे पहले। राजू मिश्रा नाम। किसलिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? इसलिए हमारा सातवां दिन है आज क्रमिक अनशन का, और बार बार इन लोगों से हमने प्रार्थना करी थी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कोटा के हर आला अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप दिशा सूचकों पे ध्यान दीजिए। दिशा सूचक 3 साल से लगातार लग रहे हैं, हर सुवैयन राजनीतिक अपनी राजनीति चमकाने के लिए जगह जगह कोटा के अंदर भी दिशा सूचक लगा देता है, लेकिन आला अधिकारी कोटा के प्रशासन ध्यान दे रहा है। आज किन किन लोगों के आपने जो होर्डिंग है, सारे राजनेताओं के देखे, कई सुवैया नेता, कई विधायक, कई सांसदों के देखे, इसलिए इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर पार्टी का देखा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि दिशा सूचक जनता के लिए, जो कोटा में बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप आ रहे हैं, कुछ कोटा विजिट करने आ रहे हैं, तो अपने दिशा सूचकों से अपनी यात्रा सुगम कर सके, इसके लिए हमारी मांग है कि दिशा सूचकों से सरकारी संपत्ति में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना विज्ञापन अपने नेताओं की होर्डिंग न लगाए। जैसे मैं सुनने वाले से पता चला है कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक जनता के लिए, तो यहाँ पर भी है जो आप कार्यकर्ता है, वो धरना जायजा दे देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे धरना देते? हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसका रिकॉर्ड है, जनसुनवाई में मुद्दा डाला, उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, पूर्व में कौन कौन से जो कार्य है जो आपके द्वारा यहाँ पे किए गए? पूर्व में हम लोगों ने अभी कोटा को अभी वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले कोटा में 8 बजे तक जो दुकानें खुलती थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग करी कि हमें 10 बजे तक व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। यही मुद्दे आप जैसे गैलेंट्रीज का क्यों चुना? मुझे तो बहुत सारे समस्या, लोग कहते हैं कि भाई आप कार्यकर्ता है जो आते थी, मुद्दे तो कई सारे हैं। मुद्दे कई सारे हैं जिसकी मांग हमारे पास आती है, जिसके लिए जनता परेशान होती है, जनता हमें मांग के अनुरूप बताती है। तो आप एक्टिव नहीं है, मतलब आपको पता नहीं कि मांग के अनुसार आती है आपके मांग? मुद्दे कई सारे हैं, मुद्दे कई सारे हैं हमारे पास, लेकिन जनता की जो मांग होती है सबसे ज्यादा, उस पर हम लोग कार्रवाई करवाने के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं, प्रशासन पे दबाव डालते हैं। मुद्दे तो हमारे पास सरकार को चेतावनी है कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम अगले थोड़े दिनों के अंदर में ना इसमें एक जन आंदोलन के रूप में उभरेंगे और जन आंदोलन करके सरकार को इसके विवश करेंगे कि कैंटीन से विज्ञापन देना बंद करें, ये नेताओं की चमचागिरी करना बंद करें, ये भ्रष्टाचार करना बंद करें और जुर्माना लगाएं जितना जुर्माना बाजी है। आम आदमी पार्टी को।
जिसे आप भी लगातार हम करने में देख रहे हैं आपको आज साथ और दिनेश साथ लगातार क्या कहना चाहिए। आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा है, शासन है जो गुंडा भरा हो चुका है। लगातार हम लोग आए दिन ये अखबारों में बराबर सूचना चल रही है, नेताओं को अधिकारियों को बराबर सूचनाएं लग रही है। ये भी सरकार है जो गुंडी भरी हो रही है, ये नेता है जो सत्ताधारियों के पीछे ये अधिकारी प्रशासन उनके दबाव में काम नहीं कर रहा। हम चाहते हैं सरकार की गुंडी भरी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आप जनता की सुने, आम आदमी की सुने।